नमस्कार, स्वागत है आपका यान टीवी में। मैं हूँ प्रियंका वर्मा और आज हम मौजूद हैं दिल्ली के उस जगह पे जहाँ पे साल में एक बार ट्रेड फेयर लगता है और वो और कोई जगह नहीं है, वो है प्रगति मैदान। प्रगति मैदान में इतने सारे राज्यों के स्टॉल्स लगते हैं। वहीं पर एक अच्छी सुविधा ये भी है कि लोगों को यहाँ पे ए टी एम मशीन और साथ ही एम्बुलेंस की यहाँ पे मशीनें यहाँ पे हैं कि अगर कभी किसी को दिक्कत भी पड़ जाए तो वो यहाँ पे आराम से पैसे निकाल सके और साथ ही उनको किसी भी चीज़ को खरीदने में प्रॉब्लम ना हो। तो आइए चलती है, बात करते हैं इन लोगों से। तो सर, जैसे कि पंजाब नेशनल की यहाँ पे मशीन लगाई गई है, यहाँ पे लोग आते हैं, कितने लोग आ जाते हैं यहाँ पे पूरे दिन में, कितने पैसे निकाल लेते हैं? कम से कम 300-350 कस्टमर आते हैं और कम से कम वो उनकी मर्जी कितना विड्रॉल करते हैं। तो लोगों को यहाँ पे काफ़ी फायदा हो रहा होगा इसके लिए। हाँ जी बिल्कुल। जैसे कि आपने देखा एटीएम मशीन, पंजाब नेशनल बैंक की एटीएम मशीन भी यहाँ पे मौजूद है और साथ ही आप देख रहे होंगे साइड में हमारे एम्बुलेंस भी खड़ी है कि बाय चांस अगर किसी को दिक्कत हो जाए या किसी को कोई भी परेशानी हो जाए तो यहाँ पर एम्बुलेंस खड़ी है उनकी सहायता के लिए। तो आइए चलते हैं, बात करते हैं। सर, आपको यहाँ पे एम्बुलेंस यहाँ पे खड़ी है तो यहाँ पे लोगों को कोई दिक्कत होने ना हो उसके लिए आप यहाँ पे खड़े हैं? हाँ जी, इसलिए खड़े हैं कि कोई इमरजेंसी आती है तो उनको हॉस्पिटल तुरंत पहुँचाए। तो यहाँ पे आपको कितना पूरे दिन यहाँ पे खड़े होते हैं? सुबह मॉर्निंग 8 o'clock से रात को 8 o'clock। तो जैसे कि आपने देखा ट्रेड फेयर में हमें इतनी सारी फैसिलिटीज़ मिल रही है और इन लोगों से हमें इतना फ़ायदा हो रहा है, यहाँ की जनता को फ़ायदा हो रहा है, यहाँ से दूर दूर से लोग आते हैं, यहाँ पर इंजॉय करते हैं। देश दुनिया की खबर देखने के लिए देखते रहिए यान टीवी।